नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे चावल से बनाए जाने वाले बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी, जो कि आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और इसको बनाने का जो तरीका है एकदम आसान सिंपल है। कोई भी इस नाश्ते को चाहे तो बना के तैयार कर सकते हैं झटपट से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप चावल कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये अरवा चावल है, तो यहाँ पर अरवा चावल ले लेती हूँ। आप जो राशन वाला चावल होता है उसका भी बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का चावल है हमारे पास। आप मोटे वाले चावल हो, बारीक वाला चावल हो, कोई भी चावल से इस नाश्ता को बना सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चावल को डालेंगे किसी भी बड़े बर्तन में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी जिस भी समय वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चावल में पानी डालते हुए अच्छे से इसको थोड़ा सा मल मल के साफ करके धोएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका थैंक्स बोल सकूं। इस तरीके से चावल का जो पानी है इसको हटा देती हूँ और 2 से 3 बार वापस से हमें चावल में पानी डाल डाल के अच्छे से इसको साफ कर लेना है। जब तक कि इसका पानी का कलर चेंज होते रहेगा तब तक इसका पानी हमें साफ करते रहना होगा, जब तक कि पानी पूरा अच्छे से क्लियर ना हो जाए। चावल को 4 पानी से अच्छे से साफ करके धो ली हूं। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पानी और पानी डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा के चावल को आप चाहें तो 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चावल हमारा अच्छे से फूल जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो चावल के ऊपर भी आप मोटे वाले चावल को भिगाएंगे तो उसको फूलने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो चलिए चावल को फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब चावल हमारा फूलता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चावल को रखे हुए 3 घंटा के करीब हो गया है। 3 घंटा के लिए चावल को छोड़ दी थी। तो चावल देखिए फूलने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो गया, क्योंकि ये बारीक दाना वाला है, छोटा छोटा दाना है, तो बहुत अच्छे से ये फूल गया है। जब इसको इस तरीके से मैश कर रहे हैं तो देखिए चावल जो है पीस रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो पानी है इसको हटाएंगे। 3 घंटा पानी में रहा है और काफी गर्मी है, तो हो सकता है कि चावल में हल्का सा खट्टापन आ गया होगा। तो इसके लिए फिर से इसमें एक बार पानी डाल देंगे और फिर से इसका जो पानी है चेंज कर देंगे और इसमें से बिल्कुल पानी निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको चावल के पापड़ या सूजी के पापड़ या मूंग दाल के पापड़, किसी भी चीज के पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। YouTube पर सर्च कर लीजिएगा मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि मैं पहले बना के डाली हुई हूँ। और आप हमारे वीडियो को देख के पापड़, चिप्स, फ्राइम्स घर बैठे बहुत तरह के बनाने का सीख जाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो या समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो अभी क्या करेंगे, चावल को डालेंगे मिक्सर जार में। छोटा वाला जार ले लेती हूँ, आप बड़ा जार भी ले सकते हैं। ज्यादा चावल है तो 2 बार में और कम चावल है तो 1 ही बार में डाल के इसमें और इसको पीसेंगे। शुरू में इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालिएगा और इसको बिना पानी का ही बारीक करने का कोशिश कीजिएगा। यदि ये पीसते ना बने, इसमें लगे कि बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, तो थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर डाल के और अच्छा सा इसका चिकना सा पेस्ट बनाइएगा। जितना चिकना पीस सके उतना अच्छे से इसको पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए चावल को बिना पानी का ही पीसी हूँ, क्योंकि चावल जब फूलता है तो इसके अंदर काफी पानी रहता है, तो चावल हमारा अच्छे से पीस नहीं रहा है। तो यहाँ पर पानी के जगह में यूज करेंगे दही। तो यहाँ पर आप आधी कप दही डाल सकते हैं, जितना चावल ले रहे हैं उसका 1/4 आप दही डालिएगा। फ्रेंड, दही यदि ज्यादा खट्टा है तो भी चलेगा, तो दही का मात्रा थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, और मीठा है तो आप 1/2 कप दही डालिएगा। बहुत ज्यादा दही भी हमें नहीं डालना है। अब दही के साथ अच्छे से चावल को बारीक करेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल अभी तक बिल्कुल भी नहीं की हूँ। देखिए अब चावल जो है बहुत अच्छे से पिस गया है, तो चावल को निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। और ये दही के साथ ही इतना पतला सा हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हूँ, तो आपको भी पानी नहीं डालना है। यदि बाद में जरूरत होगा पानी का तो इसमें पानी डालेंगे, लेकिन शुरू में इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा।
तो फिर आप इतना पतला हो जाएगा ना, तो आप फिर नाश्ता नहीं बना पाएंगे, अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए अभी हमारा चावल का जो पेस्ट है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वापस से हमें ले लेना है वही मिक्सर का जार, और जो बचा हुआ दही है आधा कप में जो बचा हुआ दही था उस दही को इसमें डालेंगे, और साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालना है, जितना आपका चावल का पेस्ट है उस अनुसार से आप इसमें नमक डालिएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इसे चटनी के साथ खाएंगे। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चीनी, अभी इसके अंदर डालेंगे दो हरी मिर्ची, और साथ में डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को भी थोड़ा सा छोटा छोटा ही करके डालिए जिससे कि अच्छे से ये ग्राइंड हो सके। तो फ्रेंड्स इस सब मसाला डालने से ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा, और आपने पसंद से इसमें आप मसाला डालें। बहुत कोई अदरक नहीं खाते हैं तो आप खाते हैं तो ही डालिएगा, नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आपकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अब इसके अंदर डालना है हमें सूजी, सूजी बारीक वाला मोटा वाला आप कोई सा भी ले सकते हैं, आधी कटोरी के जितना इसमें सूजी डालूंगी। जैसे कि चावल आप दो कटोरी ले रहे हैं तो एक कटोरी इसमें आप सूजी डाल लीजिएगा, इससे आपका जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसको दही के साथ थोड़ा सा फेंट के देखते हैं, सूजी भी बहुत अच्छे से पिस चुका है, और सूजी को भी पीसने में इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो दही था उसके साथ ही ये भी थोड़ा सा इस टाइप का हो गया है पिस के, और अदरक और मिर्ची भी साथ में ही पिस गया है, देख पा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी इसी वाले बैटर में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और ये नाश्ता बहुत ही झटपट से बन जाता है, आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में, बहुत ही मजे मजे से वो खाएंगे। अब सारी चीज को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे, और ये जो है बिना पानी का ही हमारा ये घोल बहुत अच्छा तैयार हुआ है, इसमें अलग से हमें जरा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। तो आप देख लेंगे दही के साथ ही चावल को और सूजी को दोनों को अच्छे से पीस लेना है, और अच्छे से इसको फेटेंगे, फेटना बहुत जरूरी है तभी इसके अंदर जाली पड़ेगा और नाश्ता हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा, जालीदार बनेगा। कुछ इस तरीके का होना चाहिए, और देखिए कितना चिकना है पीस के। अभी इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच तेल, ये डालने से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, सूखा सूखा सा नहीं लगेगा खाने में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सामान भी नहीं गया है, सिर्फ चावल, थोड़ा दही, थोड़ा सूजी और हरी मिर्ची, अदरक, थोड़ा सा तेल, और कुछ ज्यादा सामान इसके अंदर नहीं पड़ा है। बहुत ही अच्छा से ये बनके तैयार होता है, खाने में तो पूछिए मत कितना लाजवाब होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से घोल के तैयार कर ली हूँ, इसमें सारे चीज मिक्स हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं छोड़ना है। 5 मिनट जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए इसकी तैयारी कर ली जाए, जिससे कि झटपट से ये बनके तैयार हो सके। नाश्ता बनाने के लिए आप कोई सा भी इस टाइप का थोड़ा सा इसका किनारे उठा हुआ हो प्लेट ले सकते हैं, या हम लोग जिसमें केक बनाते हैं वो भी आप बर्तन ले सकते हैं। और इसमें अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा के इसको चिकना कर देंगे, क्योंकि आज का जो नाश्ता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनने वाला है, बिना फ्राई किए हुए, तेल का इस्तेमाल किए हुए, बस हल्का सा तेल ही इसमें लगाना है, और थोड़ा सा तेल बैटर के अंदर डाला गया जिससे हमारा नाश्ता थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये चावल से बना हुआ है, कच्चा चावल से, तो थोड़ा सा आपको डालना होगा। तो देखिए अच्छे से इसमें ग्रीस कर देना है, इससे क्या होगा कि नाश्ता इसमें जो है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये तैयारी आपको पहले करना है। अब प्लेट को क्या करेंगे, कैसे प्लेट को तैयार करेंगे जो हमारा नाश्ता अच्छा बने, चलिए दिखाती हूँ। तो आप कोई सा भी कढ़ाई ले सकते हैं पुराना सा, और इसमें डालेंगे 1 ग्लास के करीब पानी। 1 ग्लास पानी इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे ऐसा वाला रिंग,
उल्टा करके डाल रही हूँ क्योंकि सीधा करके डालने से बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, उल्टा करके ही डाल रही हूँ। आपके पास यदि ये वाला नहीं है तो आप कोई छोटा सा कटोरी या प्लेट डाल सकते हैं। अब ये रिंग के ऊपर डालेंगे ये वाला प्लेट जो अभी ग्रेस करके आपको दिखाई हूँ। प्लेट में अभी कुछ भी नहीं डाला है मैंने, बस सीधा ही हमें खाली प्लेट को इसमें डाल देना है और इसमें लगा देना है ढक्कन। जब तक हमारा प्लेट थोड़ा सा गर्म होगा तब तक चलिए घोल को चेक कर लिया जाए। घोल को रखे हुए 5 मिनट हो चुका है और सूजी जो इसमें था अच्छे से फूल गया है। जैसे जैसे सूजी फूलेगा ये देखिए और भी ज्यादा अच्छे से सेट हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है। अब नाश्ता को फुलाने के लिए आप यहाँ पर चाहे तो मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास है आप इसमें डाल लीजिए, इससे क्या होगा नाश्ता आपका बहुत ही अच्छा से जालीदार बन के तैयार होगा। तो यहां पर मैं इसमें इनो डाल देती हूँ। ये डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा फूलेगा। इसके लिए इसमें जो छोटा वाला पैकेट आता है उसका आप आधा पैकेट डाल सकते हैं और इसके ऊपर डालना हमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, झटपट से मिक्स करेंगे। और ये काम आपको बाद में ही करना है, जैसे प्लेट आप गर्म करने के लिए डाल दिए हो उसके बाद ये वाला काम आपको करना है। तो देखिए अब इनो बहुत अच्छे से फिट गया है इसमें और यहाँ पर देखिए पानी भी हमारा अच्छा उबल गया है और इसमें जो प्लेट डाली हूँ प्लेट भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। प्लेट को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए और इसके बीचे बीच हमें ये वाला घोल को डाल देना है। इनो डालने के बाद घोल को तुरंत ही डाल देना है, नहीं तो क्या होगा ये काम नहीं करेगा इनो। और इसमें लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगा के इसे कम से कम 20 मिनट तक अच्छे से कुक होने देना है। आंच को मीडियम रखिएगा और 20 मिनट तक इसको अच्छे से स्टीम होने दीजिए। तो यहाँ पर स्टीम करते हुए लगभग 20 मिनट से थोड़ा सा कम ही हुआ है। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप चाकू का मदद ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें डाल के देखें। तो देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन है, इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, यानी कि ये जो है नाश्ता हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी इसको निकाल लेना है। नाश्ता को अच्छे से ठंडा होने देंगे तब तक इसमें कुछ हल्का सा तड़का डालेंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म है, इसमें डालेंगे लाल मिर्ची और थोड़ा सा डालेंगे कड़ी पत्ता। आप इसकी जगह पर हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर से डाल देंगे, बस थोड़ा सा डालना है। और देखिए नाश्ता जब पक जाएगा तो ये बगल बगल से खुद से ही किनारे जो है इसका देखिए छूट रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें कट लगा लेंगे। आप अपने पसंद से इसको जैसे काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप नाश्ते को कट कर सकते हैं। और आप इसको खाने के लिए चाहे तो नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, दही के साथ, तड़का दही के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो नाश्ता है बनके तैयार है और काफी जालीदार बना है, देख पा रहे हैं। अभी ये गर्म है और देखिए अंदर कितना जाली पड़ा है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं नाश्ता को। तो देखिए यहाँ पर बनके तैयार है थोड़े से चावल और सूजी से पूरा प्लेट भर के नाश्ता। अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।